Hey guys, welcome back to Bikram Tutorial. In today's session, we will learn uses of had. आज के सेशन में हम लोग had का प्रयोग करना सीखेंगे. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. Let's start the video. And first sentence है, मेरे पास एक बैग था. ये sentence हम सिर्फ लिए हैं ये rule के according. तो rule किस तरह होगा? तो subject plus had plus object plus etc. And please remember this rule. अगर rule को याद नहीं रखेंगे, if you will not remember rule, you can't create the sentence. So please remember the rule. तो इसका rule क्या है? मेरे पास एक बैग था. इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा. जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं. इफ वी टेक वन फर्स्ट एग्जांपल, मेरे पास मोबाइल था. देन इसका सेंटेंस, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स ट्रांसलेशन? आई हैड ए मोबाइल. आई हैड ए मोबाइल मींस मेरे पास मोबाइल था. मेरे पास मोबाइल था, आई हैड ए मोबाइल. हम लोगों के पास घर था. तो आप मेरे साथ बोलिए, प्लीज 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 स्पीक विथ मी. ठीक है, वी हैड ए हाउस. तुम्हारे पास एक बोतल था, यू हैड ए बोतल. उसके पास चार प्रश्न थे, ही हैड फोर क्वेश्चंस. उन लोगों के पास एसी था, दे हैड एन एसी. तो इसको पांचों सेंटेंस को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. मेरे पास मोबाइल था, आई हैड ए मोबाइल. हम लोगों के पास घर था, वी हैड ए मोबाइल. तुम्हारे पास एक बोतल था, यू हैड ए बोतल. उसके पास चार प्रश्न थे, ही हैड फोर क्वेश्चंस. उन लोगों के पास एसी था, दे हैड एन एसी. अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस की ओर बात करते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा. या आप यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस ए बाय एन प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन याद रखिएगा कि पहला वाला ही ज्यादातर यूज कीजिएगा. मेरे पास समय नहीं था, आई हैड नो टाइम. एक बार फिर से बोलेंगे, मेरे पास समय नहीं था, आई हैड नो टाइम. तुम्हारे पास मोबाइल नहीं था, यू हैड नो मोबाइल. सगुन के पास कॉपी नहीं था, सगुन हैड नो कॉपी. बी डी के पास पैसे नहीं थे, बी डी हैड नो मनी. उसके पास कपड़े नहीं थे, ही हैड नो क्लॉथ्स. एक बार फिर से रिपीट करके बोलिएगा, मेरे पास समय नहीं था, आई हैड नो टाइम. तुम्हारे पास मोबाइल नहीं था, यू हैड नो मोबाइल. सगुन के पास कॉपी नहीं था, सगुन हैड नो कॉपी. बी डी के पास पैसे नहीं थे, बी डी हैड नो मनी. उसके पास कपड़े नहीं थे, ही हैड नो क्लॉथ्स. अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जिससे हम लोग आप जो सीखे हैं पॉजिटिव और निगेटिव स्वी को सेंटेंस को हम लोग यहाँ पे इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे. इसका रूल क्या होगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे. हम लोग यूज करेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट. एक बार मेरे साथ, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट. और याद रखिएगा, मेरे साथ लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा. प्रैक्टिस करने के साथ साथ लगातार कंटिन्यू बोलिएगा. इफ यू डोंट स्पीक दैट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली लाइक मी. ठीक है, आप मेरे तरह फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम लगातार प्रैक्टिस नहीं की है. तो आप लोग को सिखाने के लिए आप लोग को हम सारा सेंटेंस बता देंगे. क्या उसके पास मोबाइल था? डिड ही हैव ए मोबाइल? तो आप लोग इसका जवाब, जैसा कि अगर हम मेरा पुराना वीडियो ओल्ड वीडियो अगर देखे हैं स्पोकन का, तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग को या तो इसका जवाब यस में देंगे या तो इसका आंसर नो में देंगे. तो सबसे पहले यस में बोलते हैं, डिड ही हैव ए मोबाइल? यस ही हैड ए मोबाइल. नो, अगर नो में बोलना है तो क्या बोलेंगे? नो ही हैड नो मोबाइल. अगर नेक्स्ट सेंटेंस हम बात करें, क्या मेरे पास मैथ का किताब था? डिड आई हैव ए मैथ ऑफ बुक, सॉरी बुक ऑफ मैथ्स या मैथ्स बुक? तो आप लोग इसका आंसर क्या देंगे? देखिए, एक चीज मैं आप लोग को फिर से बता दूं, अगर क्वेश्चन के अंदर में आई बोल रहे हैं तो इसका आंसर हमेशा यू में आएगा. और यू में क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो उसका आंसर हमेशा आई में आएगा. तो ध्यान देंगे, डिड आई हैव ए बुक ऑफ मैथ्स? तो हम बोलेंगे यस यू हैड ए बुक ऑफ मैथ्स. नो यू हैड नो बुक्स ऑफ मैथ बुक ऑफ मैथ्स. आगे थर्ड सेंटेंस, क्या तुम्हारे पास पानी का ग्लास था? तो डिड यू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर? यू का आंसर क्या होगा? आई में, यस आई हैड ए ग्लास ऑफ वाटर. नो आई हैड नॉट ए ग्लास ऑफ वाटर. आप साथ साथ जरूर बोलिएगा, एक बार खुद भी बोल के देखिएगा. ठीक है, अब है हम लोग लेते हैं नेक्स्ट, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट. कभी कभी हम लोग इसमें भी पूछते हैं, जैसे तुम्हारे पास कैसा कलम था, तुम्हारे पास क्या था, एटसेट्रा. ठीक है, तो हम इसका क्या होगा? तुम्हारे पास कैसा कलम था, तो हो जाएगा विच टाइप ऑफ पेन डिड यू हैव? विच टाइप ऑफ पेन डिड यू हैव? आई हैड ए रेड पेन. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि फुल स्टॉप का प्रयोग होगा. ठीक है, तुम्हारे पास क्या था? व्हाट डिड यू हैव? तो हम क्या बोलेंगे? आई हैड नथिंग. क्या बोलेंगे? आई हैड नथिंग. अगर सब चीज था तो बोलेंगे आई हैड एवरीथिंग.
उसके पास कैसा मोबाइल था, विच टाइप ऑफ मोबाइल डिड ही हैव, तो बोलेंगे ही हैड ए रेडमी नोट 6, ही हैड ए कॉस्टली मोबाइल, ही हैड ए जो भी मोबाइल, जो भी जैसा भी होगा मोबाइल, तो आप लोग बोल सकते हैं। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड एंड प्लीज वॉच डेली ऑफ प्लीज वॉच डेली माई वीडियो। एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट यू हैव सम क्वेश्चन, देन प्लीज आस्क मी on comment box. Please, in comment box, you can ask any type of question. So please watch the video and keep smiling, keep laughing, and keep learning daily. Thank you very much.